हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको पूरी जानकारी जा सके। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि कैसे हम शेंगेन वीज़ा के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दो कैटेगरी की, एक है बिज़नेस पर्सन और जो जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कवरिंग लेटर, जो कि आपको अलॉन्ग विद आइटनरी आपको अटैच करना है। कवरिंग लेटर के बारे में वीडियो में पहले बना चुका हूं और ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली अपना कवरिंग लेटर बना सकें। उसके बाद होता है आपकी एयर टिकट, आप अपनी एयर टिकट साथ में लगाइए। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 30,000 यूरोस का उसमें कवरेज होना चाहिए या फिर उसमें 50,000 यूएसडी का कवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं होटल बुकिंग की, आपको कन्फर्म्ड अपनी होटल बुकिंग लगानी है। फिफ्थ आपका जो है बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी है 3 मंथ्स की विद स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ। नेक्स्ट जो है ITR है, जो कि आपको 3 इयर्स की लगानी है, साथ ही पैन कार्ड की कॉपी अटैच कीजिए। सेवन्थ जो डॉक्यूमेंट है आपका NOC फ्रॉम कंपनी, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका NOC लेटर लगाइए, उसमें लीव का मेंशन करवाइए कि इतनी ड्यूरेशन आप कंपनी से लीव ले रहे हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप दूसरी अदर कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। एट्थ जो डॉक्यूमेंट है आपका पे स्लिप है, पे स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की आप अटैच कीजिए। नाइन्थ डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट की फ्रंट और बैक 2 कॉपीज, तो आपको 2 फोटोकॉपी आपको लेनी है पासपोर्ट की। बात करें तो 10th में हमें क्या लेना है, आपकी जो नंबर 10 है इसमें आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करवानी है। फ़ोटो मैट फिनिश में होनी चाहिए और ध्यान रहे कि फ़ोटो जो है आपका वाइट बैकग्राउंड में हो और उसका जो फ़ोटो का साइज़ है 35mm x 45mm हो और आपका फेस 80% विजिबल होना चाहिए। साथ ही अटैच कीजिए अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अब बात करते हैं जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेसमैन क्या करें, तो बिज़नेसमैन अपना जो कवरिंग लेटर है वो अपना लेटर हेड पर बनाए और साथ में आइटनरी अटैच करें। इसके बाद एयर टिकट अपना लगाना है उनको, उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग उनको देना है सिमिलरली जैसे कि एम्प्लॉय में देना को देना था। उसके बाद फिफ्थ में बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की चाहिए होगी इनके स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ, और साथ ही इनको ITR 3 इयर्स की देनी है, साथ ही पैन कार्ड की कॉपी देनी है, ये पर्सनल वाली है। अब बात कर लेते हैं बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और बिज़नेस की स्टेटमेंट है, तो बिज़नेस के लिए आपको करंट बैंक स्टेटमेंट आपको देनी है लास्ट 3 मंथ्स की विद स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ। इसके साथ ही देना है, अगर कोई न्यू सेटअप है तो 1 साल की ITR दे दे, अदरवाइज 3 इयर्स की ITR वो लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 9th है कंपनी के जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है जैसे कि MOA, GST, बैलेंस शीट और विजिटिंग कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं। और 10वां है आपको पासपोर्ट की फ्रंट और बैक कॉपी की 2 फोटोकॉपी आपको लगानी है, और 11th सिमिलरली आपको फ़ोटो लेनी है सेम साइज़ जो कि मैंने पहले बताया अभी आपको, और फिर आपको लेना है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अब आगे चलते हैं, अगर मान के चलिए साथ में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा बच्चों का के लिए जो स्पेशल लगाना है वो आपको स्कूल से लीव लेटर लेना है और स्कूल की ID कार्ड लगाना है, और बर्थ सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो बर्थ सर्टिफिकेट साथ में अटैच कर दीजिए। और हनीमून कपल हैं वो ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अगर उनकी शादी हो गई है या शादी होने वाली है तो मैरिज कार्ड लगाएं, एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ लगाएं, या मैरिज हो गई है तो मैरिज की फ़ोटो लगा दें, और मैरिज सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो उसको अटैच कर दें। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाते हैं तो वीज़ा के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।